सुहानी सी एक लड़की में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया होगा जहां हमें ड्रामा दिखाना हो। भावना भाभी के पति का मरना, दूसरे ही दिन शरद से शादी करना, और ये भी कम था कि भावना चली आई बिरला घर। अब भाई ये सब ड्रामा तो हमारे सिर के ऊपर से ही जा रहा है, तभी तो देखिए हमारी सुहानी, भावना और शरद चले हमें ये ड्रामा समझाने, और वो भी फुल कॉमिक स्टाइल। बेशरम लड़की हूँ मैं, तो पति अभी भी मरा, अभी अभी मैंने शादी के लिए हाँ भी कह दी। शादी के लिए हाँ कहाँ गई थी, वो तो अचानक से मांग भर दी ना उसने, अचानक से मांग भर दी। लेकिन बेशर्मी ये हुई कि जैसे ही मांग भरी तो काफी बवाल हो गया, तो जोरों पे होगी ना इसलिए। जवानी तो तुम्हारी जोरों पे जो तुमने तुरंत मांग भर दी। हमारी तो है ना, हम तो खाली थे। मांगे पर वो ये क्या, सबकी देखिए क्या, हमारे घर में जितने मर्द थे सबकी वाइफ थी, अब मैं अकेला था। तो फिर ये कहने का मतलब रमेश मर्द नहीं है, रमेश का तो चल रहा है ना दादी के साथ। दादी सुनेंगी क्या बोल, मतलब ये तो मस्ती की बात है। रमेश की है बीवी लेकिन वो गांव में, वो सुरेश के साथ है अभी उसकी बीवी। सुरेश कौन है पागल, इसलिए आपने झट करके मांग भर दी मेरी दीदी। मांग भर दी तो मैंने कहा कोई नहीं मिला। पर आप एक, आपने एक बात सोची, आप है मेरे पीए भैया और ये और मेरी दी, तो आप दोनों तो भाई बहन हुए ना। ओ गॉड, ओ गॉड, हम भाई बहन है, शिट। उसका एक कारण भी था, क्या था, इन्होंने बना लिया था भाई, अब मैं चाहता था ये बने मेरी साली। अब साली बनने के लिए क्या करेंगे भाई, बहन से शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, तो एक तरफ घर वाली, एक तरफ आधी साली। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जैसे इनकी मांग मांग भर दी गई, मैंने कहा नहीं ये शादी नहीं मानेंगे। भावना दी आप चिंता मत करिए, आप मत जाइए पिए भैया के साथ। पापा ने पूछा भावना तुम क्या चाहती हो, मैं जाऊँगी बिरला हाउस। मैं मरी जा रही हूँ जाने के लिए। बिरला हाउस की मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। वो शरद जी इतनी कर रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको बिरला हाउस में जाना था या मेरे साथ आना था। मैं हालात से बहुत मजबूर, मैं बहुत अबला नारी हूँ, मैं अभी अबला नारी और इतना सोच लिया नहीं पापा मैं जाऊँगी। अबला नारी भर भर के तबला बजा रही है। अबला नारी भाई की अबला कर करके तो फटाफट आ गई इधर। बोला एक बार मना किया तुमने अपने पापा को? नहीं, लेकिन ये मेरे बच्चे के लिए सही था, मैंने जो कि अपने बच्चे को सोच के किया, उसके भविष्य के बारे में। मेरी माँ बच्चा, ये मुझे लगा ये अच्छा 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 पिता साबित हो सकता है, इसीलिए मैंने पहले सोचा था बच्चा करना। ये क्या बात हुई जी, बच्चे के बारे में सोच रही हो, मतलब बेचारे गरीब बच्चे का पति था, बच्चे का बाप था ना तब, सॉरी बच्चे का पति, बच्चे का पापा था तब, अमित जीजू थे मेरे जो हरिद्वार में ही रहते थे, डुबकी लगाते रहते थे। बच्चा आया कैसे, वो तो यूएस में थे। ये सवाल आज पैदा होता है दी। और एक बात बताती हूँ, मैं बहुत दिनों बाद इधर सीन करने गई पंकज हाउस में मायके में, तो बाहर कपड़े टंगे थे, आपको एक राज की बात बताऊं, उस वहाँ पे शरद की शर्ट टंगी हुई थी। हमारा क्या ऑन ऑफ चल रहा था पीछे से, तो ये मेरी कॉन्स्पिरेसी थी कि मैं अमित को मार दूंगा, और उसके बाद भावना पे नजर थी मेरी बहुत टाइम से, तो भावना से शादी करके बिरला हाउस ले आऊँगा। ओ अब मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा था, तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा तो खुदगर्ज होना पड़ेगा। और साथ में उसको साली भी मिलेगी, आधी घर वाली। साली तो मिल गई थी पहले ही, भावना की बहन यानी की साली, मतलब भावना प्लस आधी घर वाली प्लस आधी घर वाली, डेढ़ घर वाली। थोड़ा फ्लर्ट करते हुए दिखाई देते हैं आप? किससे, अपनी बीवी से या दूसरे की बीवी से? मैं बिल्कुल करना चाहता, लेकिन मैं स्क्रिप्ट से बंधा हुआ हूँ, वरना मैं भाभी पे लाइन मारता अपनी। नहीं नहीं, तुम पिए भैया हो मेरे, मैंने तुम्हें राखी बांधी है, पिए भैया। तो अब आगे क्या प्लान है, कब मुझे पति एक्सेप्ट कह रहा हूँ, कब मुझे एक्सेप्ट करोगी ऐसा पति? जब तुम हमारी बहन को खुश करोगे। जी क्या हो गया दी, तुम तो बिल्कुल संस्कारों से हीन हो चुकी हो। मतलब उसका अच्छा मीनिंग कि जब तुम इसे पैचअप कर लोगे, ये तुमसे पैचअप कर लेगी। नहीं, मैंने तो बोला है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुश होगी तो ही मैं जाके कुछ एक्सेप्ट करूँगी। इतने तनाव वाले माहौल में मैं कुछ एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती, मेरी बहन भी नाराज़ है, वो भी बहुत गिल्टी फील कर रहा है, तो बहुत तनाव है अभी। आपसी एक्सेप्टेंस हो जाए पहले, हल्का करने के लिए भेजेंगे लाला, या तो तो चलो दूती तो पहली भी नहीं हो रही। बच्चा कहाँ से हो गया बिना सुहागरात के? कह रही इनकी कहाँ हुई है, बिना सुहागरात के थोड़ी बच्चा हुआ इनका। ये बात आज तो तुम्हें खुलासा करना पड़ेगा कि जीजू जब थे नहीं तो ये टिल्लू आया कहाँ से? हो सकता है डाउनलोड कर लिया हो कहीं से। नहीं
हम मैं बहुत ही पतिव्रता पत्नी हूँ। हाँ तो हम, लेकिन हम खुश हैं कि चलो फाइनली एक साल बाद दूसरी शादी में इनका पहला निमून है। कोई बात नहीं, इनकी दूसरी शादी में हमारा भी पहला हो जाएगा निमून आगे पीछे। हाँ। है ना, तुम लोग घर पे ही मना लेना ना निमून। तुमने क्यों नहीं मनाया? तुम क्यों जा रही हो युवराज के साथ लद्दाख? मैं तो बोल रही हूँ कि जीजू प्लीज चलो ना, जीजू प्लीज चलो ना, जा ही नहीं रहे हो तुम। हनीमून का सच्चे भी कुछ भी पता नहीं है। नहीं नहीं, कुछ आने वाला है मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कुछ भी। बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ा सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा ड्रामा है कुछ तो है नहीं, सच्ची सच्ची है, बस बता नहीं सकते। देख लो, डेढ़ साल हो गया, कुछ ना कुछ ड्रामा हमेशा चला है, तो अब आगे कैसे रुक सकता है ड्रामा? ड्रामा आएगा, शादी में ड्रामा था, हर एक चीज में तो ड्रामा, हनीमून में भी कुछ होगा। और रोमांस तो जब ये इनकी है, नहीं रोमांस तो इनका तब भी हो रहा था जब प्यार का इजहार नहीं हुआ था, तो सोचो प्यार का इजहार हो गया तो कैसा रोमांस होगा। पागल। लेकिन वो रोमांस से पहले इतना अच्छा, यू नो, टीआरपी नहीं आप उसके लिए सभी दर्शकों को दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे। बिल्कुल बोलना चाहेंगे, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उन सभी। प्यार की उम्मीद नहीं थी जितना आप लोग दे रहे हैं, और प्लीज ऐसे ही देते रहे। और अब एक मैं आपको और बताऊं, ये वहाँ पे जाएंगी तो इनका एक ट्रांसपेरेंट पिंक कलर की साड़ी होगी प्लेन, जिसमें गाना गाएंगे टिप टिप करता पानी पानी में आग लगाएगी। प्लीज मैं क्या प्यार नहीं करोगी अपने पति से, दूसरे के पति से प्यार करोगी? तुम्हारी इसकी सोच ऐसी है, ये ऐसी साड़ी पहनेगी ऐसे। अपना साला हिंदू उस कल्चर के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मैंने सुना है मुझे वहाँ भी यही कपड़े देने हैं। ये बहुत खुशी है, बहुत सभ्य है, संस्कारी। वो एक 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 सीन होगा जिसको हो सकता है टेलीकास्ट नहीं करें, लेकिन शूट करेंगे एकदम सेक्सी भाभी बन के आएंगे। और उसमें अचानक से युवराज गायब और जीजू आ जाएंगे। आपको समझ आया ना आधी गतवादी? नहीं नहीं, कुछ भी बकवास, जीजू नहीं आएंगे भैया, ये इनका पति, इनका भैया जिसका मेरा पति मेरा देवता है। देखिए जिसका प्लॉट है वही रजिस्ट्री करेगा भैया, कोई बाहर वाला नहीं आएगा, ये फैक्ट है। मेरा पति मेरा देवता है। कौन किसके बीच? अरे क्या बात कर रहे हो? हेलो, हम दोनों बहनें बहुत पति बताता है, आप ऐसा मत सोचिए। और वो मेरा पीए भैया है, और मैं तो पीए भैया है, पीए भैया। भैया कैसे बर्बाद? कुछ भी, पहले भैया हूँ बाद में इनका जीजू बनाऊ मैं। अर्चन भाभी के साथ क्यों करेंगे? ऐसी अर्चन क्रिएट करेंगे कि औरों के साथ तो भाभी के साथ नहीं, भाभी से एक लगाव शुरू से रहा है और हमेशा बना रहेगा हमेशा। भाभी माँ जैसी नहीं, भाभी माँ समान तो नहीं होती, भाभी माँ कम समान ज्यादा होती है जी। आगे बहुत कुछ आने वाला है और इसी तरीके से प्यार देते रहिए, लेकिन आपको मजा आएगा ये बात पक्का है। पिंक साड़ी मैं नहीं पहनूंगी फिर भी मजा आएगा, मैं पक्का दी को पहना दूंगी, क्योंकि दी साड़ी पहनने लायक है भी। दीदी का फिगर विगर भी अच्छा है तो दीदी पहनेंगे साड़ी पहन के। ला 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 ला, कहां मिला उसमें पीछे से स्नूपी? ला 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 ला, अगर मेरी बीवी अगर मेरी बीवी पहनेगी ना तो फिर गाना चलेगा गले में लाल टाई घर में एक चारपाई तकिया एक और गोलू को संभालने से तो टाइम नहीं, कहां मैं ये सब कर पाऊंगी। हालांकि इच्छा को रमेश भी संभाल लेंगे। अबे गोलू को जॉइंट फैमिली किस लिए? बिरला परिवार। ये कब, ये इस गोलू को संभालेगी? रोमांस कब करेगी फिर युवराज के साथ? नहीं यार रोमांस अपनी जगह करेगी, बहन का ख्याल नहीं रखेगी, एक बहन दूसरी बहन का ख्याल रखेगी। रख लूंगी इतना ये नहीं है। एक आइडिया है, जब जिसको रोमांस करना होगा हम गोलू को फिर भेज देंगे, मुझे करना है तो मैं गोलू को किसी और तुम्हारे पास भेज देंगे, तुम्हें करना तो मेरे पास भेज देना। ठीक है वैसे भी तुम्हें गोलू की कहाँ पड़ी है? मतलब ये नहीं बोल सकती कि नहीं रोमांस बाद में कर लेंगे जब गोलू बड़ा हो जाएगा, रोमांस करना है। लो, जब तक की जवानी तब तक की कहानी, जवानी तो साल में थोड़े जवानी खत्म हो जाएगी। गोलू आएगा। गोलू को मैं बहुत प्यार से रखूंगा और दूसरे की अमानत है तो रखना पड़ेगा। और अमित की अमानत है, अमित जीजू इसके जीजू पुराने जीजू की, तो थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। एक आंख से रोएगी अपित के लिए, एक आंख से हंसेगी मेरे लिए। गुड बाय, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, शो देखते रहिए, टीआरपी बढ़ाते रहिए। आई लव यू, आई मीन बाबा। क्या
क्या तरीका निकाला हमें इस ड्रामा को समझाने में। मान गए हम आप तीनों के हुनर को। उपासना पटेल, कैमरामैन बाबाजी, इंडिया फोरम्स, मुंबई। Hi, this is Sahil Mehta and you're watching India Forums and please subscribe to WhatsApp TV. Please.